हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बड़ाना और आपका स्वागत है मोटो मैकेनिक के एक और वीडियो में। आज हम आए हुए हैं सहारा इवोल्स के शोरूम पर और यहां पर हमारे सामने है फ्यूजन मॉडल जो कि कॉस बाइक की तरफ से आता है। तो आज हम वॉक आउट करने वाले हैं फ्यूजन का और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितने वाली है, एक शोरूम प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर मोटर कितनी कैपेसिटी की है और इसकी रेंज कितनी होने वाली है फुल चार्ज पर, वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो हर वीडियो की जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कीज़ की, तो आप देख सकते हैं इसकी कीज़ कुछ इस तरीके की दी गई हैं और साथ ही साथ रिमोट का डिज़ाइन मैं आपको बता दूं तो आपको कुछ इस तरीके का इसका रिमोट मिलने वाला है। उसमें आपको तीन बटन मिलेंगे पावर अनलॉक और लॉक करने के लिए। तो कीज़ को लगाते हैं जगह पर और चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको टर्न इंडिकेटर जो है हैंडल बार पर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा कॉस बाइक का। इसके नीचे देखेंगे तो हॉर्न के लिए ग्रिल दी गई है और इसी के जस्ट नीचे एलईडी बल्ब के साथ में हेडलैम्प मिलेंगे। इसके पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो पार्किंग लाइट्स दी गई हैं जो कि स्टॉक बल्ब्स के साथ में आती है। अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा फ्रंट साइड में। यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर साइड दोनों तरफ जेके के टायर दिए गए हैं जो कि ट्यूबलेस हैं। यहाँ पर आपको सहारा इवोल्स की ब्रांडिंग देख सकते हैं और इसी के जस्ट नीचे आपको कॉस बाइक की स्टिकरिंग भी दी गई है। लुकिंग वाइज ये काफी कॉम्पैक्ट है और स्पोर्टी लुक के साथ में आता है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की, तो केवल एक साल की वारंटी मिलेगी आपको चार्जर पर। इसके अलावा मोटर कंट्रोलर बैटरी और इसके चेसिस पर आपको 3 साल की वारंटी मिलने वाली है। अगर बात करें फ्रंट व्हील की तो यहाँ पर एलॉय व्हील रिम दी गई है और इसकी कुछ डिजाइन इस तरीके की दी गई है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा लेफ्ट साइड से। दोस्तों अब चलते हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। अगर मैं बात करूँ इसके फुटबोर्ड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट कंडीशन में है जिस पर आप कंफर्टेबली अपने पैर रख सकते हैं। दूसरा फायदा ये रहेगा कि अगर आप इसके ऊपर कोई सामान रखते हैं सामने फ्रंट साइड में तो वो सामान डगमगाने के चांसेस कम रहते हैं अगर फुटबोर्ड एकदम फ्लैट कंडीशन में हो तो। यहाँ पर सीट के पास में आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा जिसमें आप चार्जर कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सीट के पास में 19 और फ्यूजन की ब्रांडिंग दी गई है जो कि इसके स्पोर्टी लुक को काफ़ी बढ़ाता है। रियर साइड में ड्यूल कॉइल शॉकर्स दिए गए हैं जिनके द्वारा आप आसानी से अपनी राइडिंग कंप्लीट कर पाएंगे। रियर साइड में भी आपको फ्रंट की जैसे जेके टायर्स दिए गए हैं, ट्यूबलेस है। अगर सीट की बात करूँ तो लंबाई में आपको थोड़ी बहुत छोटी लग सकती है बट कुशनिंग का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। दोस्तों फ्रंट और राइट साइड कवर करने के बाद में अब चलते हैं रियर साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंबाइंड टेल लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको टेल लैंप्स और टर्न इंडिकेटर दोनों एक साथ मिलेंगे बट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एलईडी नहीं मिलेंगे, ये सब स्टॉक बल्ब्स के साथ में मिलेंगे आपको। टेल लैंप के जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट माउंट करने के लिए स्पेस दिया गया है। इस स्कूटर में देखेंगे लेडीज़ के पैर रखने के लिए फुटरेस्ट दिया गया है, आपको एसेसरीज में अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड फुटरेस्ट दिया गया है। अगर मोटर की बात करूँ तो यहाँ पर 250 वाट की मोटर मिलेगी आपको रियल व्हील हब में जो कि BLDC है और वाटरप्रूफ है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्मॉल साइज में स्विंग आर्म कवर्स दिए गए हैं जो कि फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में आते हैं। अब चलते हैं इसके हैंडल के पास में और देखते हैं वहाँ पर हमें कितना स्पेस दिया गया है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, वहीं पर आपको राइट साइड में एक USB पोर्ट दिया गया है जहाँ पर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और उसी के पास में इतना तो स्पेस दिया गया है कि अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मोबाइल रख सकते हैं। इसी के पास में की लगाने के लिए जगह दी गई है। अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फुली डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, इसके अंदर आप किलोमीटर पर आवर देख सकते हैं, बैटरी का परसेंटेज देख सकते हैं, बैटरी कितनी भरी हुई है कितनी खाली है, इसी के साथ ऑडोमीटर रीडिंग और गाड़ी कौन से मोड में चल रही है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर राइट साइड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर हॉर्न के लिए स्विच मिल जाएगा, हेडलाइट के लिए इसका मोड चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर लेफ्ट साइड बात करें तो लेफ्ट साइड में हॉर्न के लिए स्विच मिलेगा, इसी के साथ में टर्न इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। दोस्तों कलर की बात करें तो यहाँ पर ग्रे और रेड दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। प्राइसिंग इसके एक्सशोरूम की बात करें तो ये आपको 62,490 रुपए देने पड़ेंगे एक्सशोरूम प्राइस के लिए। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 60 वोल्ट और 24 एम्पीयर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि एक बार चार्ज होने के लिए 4 से 5 घंटे लेगी और एक बार फुल चार्ज करने के बाद में आप 85 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं। इसी के साथ आपको कंपनी की तरफ से 3 फ्री सर्विसेज मिलेंगी इस स्कूटर के साथ में। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 35-40 इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। लोडिंग कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 140 से 150 किलोग्राम की मिल जाएगी, साथ में आपको 115 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियोज अगर आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।